बात करने जा रहे कि पारा शिक्षक बर्खास्त नहीं होंगे बल्कि रद्द होगा उनका कंट्रैक्ट। आपको बता दें कि बर्खास्तगी शब्द जो है पारा शिक्षकों पर लागू नहीं होता, ये बातें प्रधान सचिव AK सिंह ने कही है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने बताया कि पारा शिक्षकों को कई जायज मांग पूरी की गई है। विभाग चाहता है कि पारा शिक्षकों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो क्योंकि वे पिछले कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं, उनके प्रति सरकार संवेदनशील है। शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों से भी अपील की है कि वे हड़ताल समाप्त करके स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था को संचालित करें। वहीं दूसरी तरफ खबर की बात करें तो राज्य में पारा शिक्षकों की हड़ताल और उनके बर्खास्तगी किए जाने के मामले में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव AP सिंह ने संशोधित बयान जारी किया है। उन्होंने पारा शिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर है, उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पारा शिक्षकों पर बर्खास्तगी शब्द लागू नहीं होता, पारा शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर है, उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने से संबंधित प्रक्रिया चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधक समिति के माध्यम से इनका चयन कॉन्ट्रैक्ट पर हो। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो पारा शिक्षक जेल में हैं या जिन पर प्राथमिकी दर्ज है, वैसे स्थिति में वे स्कूल में कैसे रह सके, इसी को आधार मानते हुए विभाग ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि बर्खास्त वे होते हैं जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, पारा शिक्षक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने के पहले उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस के माध्यम से उन्हें पक्ष रखने के लिए एक समय निर्धारित की जाएगी। निर्धारित समय में पारा शिक्षक नोटिस का जवाब नहीं देते हैं या स्कूल से गायब होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताते हैं तो उनकी कॉन्ट्रैक्ट जो है समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि पारा शिक्षकों का जो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का फैसला सरकार ने लिया है, इसका विरोध झारखंड टेट की परीक्षा में सफल अभ्यर्थी भी कर रहे हैं। जी हाँ, झारखंड टेट की परीक्षा में सफल अभ्यर्थी पारा शिक्षक का समर्थन कर रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। झारखंड टेट की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि पारा शिक्षकों की मांगें जायज है, उन्हें भी जो है सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए।